बड़े भाई, ये हैं दीपू किसान जी। ये हमारे अजय भैया के, हमारे मित्र अजय भैया के पिताजी हैं जी। हाँ, तो उसको संग्राम सिंह ने भैया गोली मार दिया। बहुत गलत काम किया। और कहा है कि लाश ले जाओ, नदी में फेंक दो। तो आप क्या सोच रहे हैं महात्मा जी? प्रभु जी, ये लाश ले चलो, गंगा माँ की गोद में डाल दिया जाए। और हम जाएंगे बताने चाची के, चाचा को गोली मार दिया संग्राम सिंह ने जी। लाश उठाइए भैया। चलिए प्रभु दीनदयाल। क्या बताऊं अल्लाह, मेरे पति जी वापस नहीं आए। ना मालूम क्या हो बात है भगवान, इतनी समय हो गया। कहा कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ से अपनी तनख्वाह लेकर के आऊँगा, लेकिन नहीं आए। क्या बात हो गई भगवान, क्या हो गया? चाची गजब हो गया। क्या गजब हो गया? संग्राम सिंह ने चाचा को गोली मार दी। चाची, यही बताने के लिए मैं आपके पास आया चाची। किसी को ये मत कहना कि श्री राम आया थे, हमें बताया है भैया। मैं हमारी फांसी करवा देगा संग्राम सिंह। चाची मैं जा रहा हूँ भाग के यहाँ। क्या भगवान, तूने क्या कर दिया हमारी? आह, अगर दिस किस्मत बर्बाद कर डाला मुझे। ना कही कि अब रही ऐसा मसली डाला। पापी वो संग्राम सिंह, खाया नहीं मुझ पर रहम, बेरहम बेपीर ने, रहम बेपीर ने वीरान कर डाला। ए खुदा, एक ऐसा तुम्हारा फैसला, उड़ सकूंगी अब नहीं ऐसा कुचल डाला। या भगवान, मेरे पद को गोली मारकर वो कमीना मेरी दुनिया उजाड़ दिया। मेरा बेटा नहीं है, मैं उसे तार भिजवाई, लेकिन मेरा बेटा अभी तक नहीं आ पाया। मैं लाश के वास्ते उस कमीने के पास जरूर जाऊंगी, अपनी लाश को लेकर के आऊंगी, अपने पद की लाश को मांग करके लेके आऊंगी। दीपू को मौत की सजा मिल गई है और दीपू की पत्नी बड़ी खूबसूरत है और मैं उससे प्यार की बातें अवश्य करूंगा। तो साला मर गया, किस चक्कर में रहेगी? आज यही सोचकर आया हूं, लाश छुपा दिया हूं।
अगर गौरी मुझसे प्यार करेगी तो हम दीपू की लाश वापस कर दूंगा। अगर प्यार से इनकार किया तो हम गौरी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करेंगे। लाश को भी तू बर्बाद करने चला, आ जाए गरीबों के खाली नहीं, तेरे ऊपर गिरे आसमानी खाली न जाए। तूने गौरी क्या है मान कहना मेरा, गौरी तुम सो घड़ी मान कहना मेरा, मान कहना मेरा गौरी तुम इस घड़ी दीपू को मिल गई मौत की है सयास। सकलो भोली पे ये दिल दीवाना हुआ, हुस्न का अपने मुझको चखा दो मजा तो मर गया। मौत की सजा मिल गई है तुम्हारे पति को। क्या कह रहा निज संग्राम सिंह, काक में तेरी इज्जत हो जाएगी, दे रहे उसके घर में नयन दे रहे, ब्रज आके तेरे सर पे गिर डरना भगवान से कुछ मुझे गुल बतन, डरना भगवान से, डरना भगवान से मुझको है गुल बदन, आज जबरन मैं लूटूंगा इज्जत तेरी, किस में ताकत है आकर बचा ले तुझे, आज बस सकती हर गिजना इज्जत तेरी। द्रौपदी की बचाई है इज्जत मुगा, आके गौरी की वो ही मदद गारे, है भरोसा मुझे मेरे भगवान पर। है भरोसा मुझे मेरे भगवान पर, लाश ले जाऊंगी खुशी जान मन, लेकिन पूरा करो दिल के अरमान है, कर रती दान मुझको तुम इस घड़ी, तेरे ऊपर मेरा दिल ये कुर्बान है। लाश ले जाओ बाखुशी जान मन, लेकिन ठाकुर का अरमान पूरा कीजिए। कमीना कहेगा हर जाया कैसे मेरे नीचे तू से तेरी जैसे खेलूंगा, कोई हस्ती नहीं है कोई ताकत नहीं है, मेरे जीते जीत तू कुछ नहीं कर सकता, आज जबरन तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। नहीं होगा, और देखता हूँ तेरा भगवान कहाँ है। राम चाँदी राम चाँदी
मुझे चाटा मार कर निकल गई। गौरी, अगर इस चाटे का बदला ना चुकाया तो संग्राम सिंह की मां का दूसरा है, भाग साली जहां भागना, और तेरी तलाश जारी रहेगी। अगर तुम्हारे साथ अपना मुंह काला ना किया तो ठाकुर संग्राम सिंह कुछ नहीं किया। ये कमीना तो मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरी कैसे जान बची, कैसी मेरी इज्जत बचे, भगवान कैसे बचेगी। अब बता भगवान मेरी कैसे बचे बारिये। संग्राम सिंह सेतार भेजा दाया को वो अभी आया नहीं, तार भेजा दाया को वो अभी आया नहीं, मत पे लगा ला चाहता बेबार। कार मार करके प्राण बन का लाश पर हावी बना, लाश अब कैसे मिले हम लाबिए हैरान। कहाँ जाओ, ये कैबिनेट मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं अपने बेटे को तार भेजी लेकिन मेरा बेटा भी नहीं आ सका, अब कहाँ जाओ कि तुझे अपनी लाज को बचाने के लिए, कहाँ जाओ। या भगवान, अब मैं यहाँ से भाग जाऊँ नहीं कमीना मेरा पीछा करेगा, मेरी इज्जत नहीं बचेगी, मैं बहुत दूर भाग जाऊं यहां से, जाओ भगवान। क्या भगवान, कहां जाऊं मैं, मेरा पति न मालूम कहां फेंक दिए मेरे पति क्लास को। यह भगवान तुम्हारा सहारा है, बुरे दिल पे मालिकी है तेरा सारा, बुरे दिल पे मालिकी है तेरा मदद की घड़ी, मदद कर माल की। ये पतला क्या पड़ी है स्वामी, भगवान माँ का पत्र पाते हुए मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतनी दूर चला आया हूँ और प्यास मुझे बहुत जोर से लगी हुई है, कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पानी पी लूँ अपने प्यास को बुझा लूँ। तो प्यास से खुश्क लबी हिलती ना जुबा, ए बियाबान
जंगल का सार है, चल के देखू तलहेटी में आए नजर। चल के देखू तलहेटी में आए नजर, पानी बिन जिंदगी मेरी दुश्वार है। चल के देखूं तले, चलता हूं थोड़ा पानी पीके अपनी आत्मा को शांति करता हूं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा घर अपने। क्या भगवान, कहाँ करूँ, कहाँ जाऊँ, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। भगवान, बिगड़ती है मिट्टी ना सामान कोई, बिगड़ती है मिट्टी ना सामान कोई, नहीं आया बेटा अजय हमारा। या भगवान, क्या मैं सुन रहा हूं कि इस जंगल में रोनी की आवाज आ रही है। चलता हूं आगे, चल के देखता हूं किसके ऊपर मुसीबत पड़ी हुई है और कौन रो रहा है। चलता हूं देखता हूं। कर जुर्म किसने किया इस घड़ी, उसका नाम और निशान कुछ बता दो मेरी माँ। बेटा, पिताजी के हाल किसने किया। एक पैसा नहीं घर में मौजूद है, महीने की तनखा नहीं कुछ दिया, नीच पापी वो संग्राम सिंह ने सुनो, नीच पापी वो संग्राम पैसे के संग्राम को जिंदा छोड़ू नहीं, करते फायदा अजय आप कुछ भी खाया नहीं, मार पत को मेरे लूट ताया बेरू।
चांद मैं जल रहा तन बदन शर्म गैरत है माल तेरे लाल को मैया मुझको कसम है तेरे दूध का टुकड़े टुकड़े न कर दूं जो संग्राम को माँ मुझे तेरे दूध की कसम है माँ उस शराब जादे के चश्मे के टुकड़े टुकड़े ना कर दिया तो माँ बेटा वो कभी ना तुम्हारे पिता को मार के नहीं आबरू पे खेलना चाहते अरे माँ तुमने दिल में सोच करो जिंदा ये लाल तुम्हारा है जिंदा ये लाल तुम्हारा है बस यही प्राणी हमारा है माँ अभी तेरा ये बालक जिंदा है माँ उस रामजादे का मैं सर काटूंगा तेरे माँ दूध की कसम खा के कहता हूँ माँ आपरी तारी साथ में बेटा रजे आज मैंने तेरे प्राण पे इत्मार की वो पते आभी बेटा तुमसे चारों तरफ धूम मच जाएगी तेरी तलवार बेटा अपने बाप की लाश गुलशरत दफन के वास्ते फिर गम की घटाए हमारे लिए पैसा नहीं है ऐसा करो जाओ तू जंगल से लकड़ी काट के इकट्ठा करो मैं जा रही हूँ गांव में बस्ती में सभी माताओं बहनों से हाथ फैला करके कहूंगी कि बाबू साहब मेरे पति की लाश नंगी पड़ी है थोड़ा सा कफन का सवाल है मेरी मदद कर दो लोग देंगे तुम जाओ लकड़ी काट के इकट्ठा करो बेटा मैं जा रही कफन के वास्ते या भगवान तेरे घर में कैसा न्याय माँ हाँ बेटा मैं तू कफन का इंतजाम कर मैं जा रहा हूँ जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगा माँ जा बेटा तू जंगल से लकड़ी काट के इकट्ठा करो बेटा
मैं जा रही हूँ गांव बस्ती में कहीं से भी भीख मांग कर अपने पति के फन के वास्ते लेके आऊंगा। जा बेटा पिता जा भगवान ने कफन के लिए कहा जा। जय माँ भवानी जय माँ भवानी। साथियों ये बताओ आज का पेपर किसी ने पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा गया था जो सरदार राका को गिरफ्तार करेगा सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। क्या ये खबर सरदार जी को मालूम है या नहीं? नहीं अभी तो नहीं मालूम है। आने दो सरदार जी को, ये खबर सरदार जी को दिया जाए। ठीक है। साथियों ये बताओ कि आज का पेपर किसने पढ़ा है? हाँ सरदार मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पढ़ा है उसमें लिखा गया था क्या कि सरदार राका को जो गिरफ्तार करेगा सरकार की तरफ से पूरे 50,000 का पुरस्कार रखा गया है। क्या कहा? जो सरदार राका को गिरफ्तार करेगा उन्हें गवर्नमेंट तरफ से पूरे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाँ सरदार। ये सरकार की रकम सरकार के खजाने में रहेगी और ये राका अपना काम करता रहेगा। लेकिन सरदार जी मैं कुछ तुम लोगों से कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार? देखिए जो रामपुर का लूटा हुआ माल है जी हाँ सरदार जी हम उसे चाहते हैं किसी नेक जगह पर लगाया जाए। ठीक है सरदार जी जो आप कहें हम लोग वही करेंगे सरदार जी। ये बताओ सरदार जी हाँ जो आज का माल रामपुर से लूट के लाया गया हाँ वो रुपए क्या किए सरदार जी हम लोग क्या करें? ये बात है जी हाँ सरदार तो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मन चाहा लो गोरा बारूद मंगवा लो मनी चाहा गोरा बारूद मंगवा लो लूट का धन सारा अमीरों का है तो गिरोह का खर्च जो हो वो ले लीजिए शेष धन सब गरीबों में बंटवाए दो। साथियों जो भी दीन दुखी हैं सबको जितनी भी रकम बचती है सबको बंटवा दो। ठीक है सरदार जी ऐसा ही होगा सरदार जी ऐसा ही होगा। और लूटना धन गरीबों का यही धंधा हमारा है। लूटना धन अमीरों का यही धंधा हमारा है और हुकूमत पर जुल्म करना यह हमारा पैसा हमारा है। हुकूमत पर जुल्म करना यही पेशा हमारा है। ठीक हम हुकूमत के बागी हैं तो बागी रहेंगे जिया है शान से तो मरेंगे जान से। ये बात मुझे मरने जीने का कोई गम नहीं है लेकिन हम दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांट। जी हाँ ये बात सरदार जी आइए मेरे साथ। ठीक है चलिए सरदार जी।